So hey, welcome guys, I'm back with my another video. So today we're gonna continue the series of jalebi and this is the third part of this chapter. तो अब तक कि आपने पढ़ा कि कैसे एक narrator जब अपने fifth standard में था तो वो school के fees के पैसे के बदले वो jalebi खरीद लेता है और उसके बाद उसे खाता है और गली के बच्चों को भी बांटता है, पर ये करने से उसकी परेशानियाँ और बढ़ जाती है। और जब सच में उसे फीस जमा करने का समय आता है तो वो अपने स्कूल से भाग जाता है और कामबिलपुर रेलवे स्टेशन भी पहुँचता है। अब आगे एक सांप के बराबर मेरा एक गाना तेरे आठ के बराबर हाइट तेरी छोटी आता नाक के बराबर पर रैप तेरा लगे मेरे के बराबर साले आग के बराबर मेरा फ्लो हर बार करूं बर्बाद तेरा पूरा संसार तू सीधा ललकार जैसे मैं हूं सरकार बोलूं तेरे चल बाल पाडूं तेरी सलवार। तो कामबिलपुर रेलवे ट्रैक के पास पहुंचने के बाद मैंने पास ही एक छाया देने वाली एक पेड़ को देखा। मैं उस पेड़ के नीचे बैठ गया और मैं सोच रहा था कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है और फिर और क्या बुरा सकता है इस बच्चे के साथ। तो जब वो कॉइंस पहली बार मेरे पॉकेट में रैकेट कर रहे थे यानी लाउड नॉइस कर रहे थे तो उस समय पूरा मैटर स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था, मतलब पूरा सीधा साधा लग रहा था कि आराम से सुलझ जाएगा। फीस की मनी से जलेबी खा लेना और उसके बाद स्कॉलरशिप मनी से फीस पे कर देना, ये सब बहुत आसान और सिंपल लग रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं तो सोचता था कि दो और दो जोड़कर चार होते हैं और कभी भी पाँच नहीं हो सकते, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कभी कभी दो और दो जोड़ के पाँच भी हो सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप की फ़ीस अगले महीने पे दी जा रही है तो मैं कभी भी उस पैसे से जलेबियाँ नहीं खाता और उस जलेबी खाने के प्रोग्राम को अगले महीने तक टाल देता। और कुछ जलेबी खाने का क्राइम देखो क्या हुआ कि मैंने पहली बार अपने लाइफ में स्कूल को बंक किया यानी एबसेंट किया और मैं यहाँ पे पेड़ की छाया में बैठा हुआ हूँ एक कॉर्नर में, रेलवे स्टेशन के कॉर्नर में। उस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे रोना रोने से मन आ रहा था और मुझे फिर थोड़ी सी हंसी से आ गई कि जब मैंने देखा कि मेरे आंसू एक असली आंसू नहीं थे बल्कि एक ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप थे, यानी मेरे आँखों से जो गिर रहा था वो आंसू नहीं बल्कि जलेबी के सिरप गिर रहे थे और उन जलेबियों से मेरा थॉट फीस की तरफ चला गया और उस फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद के की मार्ग की ओर चला गया और इस मार्ग से मेरा ध्यान भगवान यानी गॉड के ऊपर चला गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रे करना चालू किया, अल्लाह मियाँ मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैंने पूरी नमाज पढ़ रखी है, याद किया हुआ है और मैं 10 सूरत कुरान के 10 सूरत भी अपने दिल से जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं एक बार आयत अल कुर्सी को भी फिर से दोहरा सकता हूँ सिर्फ आपके लिए। और आपके इस भक्त की बस यही इच्छा है कि मैंने जलेबी खाए हैं फीस के पैसे से, इसीलिए मैं अपना मिस्टेक एडमिट करता हूँ, मैं अपना मिस्टेक एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने ये सारे जलेबी अपने खुद से नहीं खाए, मैंने इसे बहुत ढेर सारे लोगों को, ढेर सारे बच्चों को भी खिलाया है, पर हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये मिस्टेक था, मैं ये मानता हूँ कि मैंने गलती की। अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मनी अगले महीने पे दी जाएगी तो मैं ना ही वो जलेबी खाता और ना किसी को खिलाता। अब आप सिर्फ एक काम करो कि प्लीज़ कुछ 4 रुपये मेरे बैग में डाल दो किसी तरह से। अगर उस 4 रुपये से एक भी पैसा ज़्यादा हुआ मेरे बैग में तो मैं आपसे बिल्कुल ना खुश होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी फीस के पैसे से मिठाइयाँ नहीं खाऊँगा कभी भी, और अगर मैंने ऐसा किया तो फिर एक चोर की पनिशमेंट को मेरी पनिशमेंट आप मान सकते हैं, यानी आप मुझे चोर करार दे सकते हैं। इसीलिए अल्लाह मियाँ सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि इससे आपकी खजाने में कोई भी कटौती नहीं होगी। इवन कि हमारा स्कूल का एक चपरासी भी पूरे पैसे ले जाता है अपने घर हर महीने, तो अल्लाह जी, और मैं एक बड़े अफसर का भतीजा भी हूँ, तो क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपये नहीं दे सकते।
उस प्रार्थना के बाद मैंने नमाज पढ़ा, मैंने 10 सूरत कुरान के 10 सूरत को रिसाइट किया, यानी फिर से दोहराया, आयात अल कुर्सी, कलमा तायब और जो जो मुझे याद था मैंने सब दोहरा दिया। उसके बाद मैंने अपना बैग के पास आया और छू का छू बिस्मिल्लाह कहने के बाद मैंने क्या रियलाइज़ किया कि किसी ने सच ही कहा है कि जो आप कर्म करते हैं उसका आपको फल भुगतना ही पड़ता है, उसे आप किसी तरह से टाल नहीं सकते उस कर्म को। अरे 4 रुपए तो छोड़ो, वहाँ 4 पैसे भी नहीं थे मेरे बैग में, सिर्फ कुछ किताबें और कुछ कॉपियाँ थी। एक पेंसिल था, एक शार्पनर था, एक RD कार्ड था जो कि मेरे मामू ने मुझे लास्ट ID दिया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जितनी ज़ोर से रो सकता हूँ उतनी ज़ोर से रोऊँ, पर फिर मुझे याद आया कि स्कूल तो लगता है ख़त्म ही होने वाला है और बच्चे अपने घर के रास्ते में होंगे, घर जाने के रास्ते में। और फिर थका हारा मैं वहाँ से उठा और अपने बाजार की ओर चला। मैंने स्कूल के बेल रिंग करने का वेट किया कि जब बच्चे बाहर आए तो मैं भी उनके साथ वॉक करूं और घर जाऊं, जिससे ऐसा लगेगा कि मैं डायरेक्ट स्कूल से ही घर गया हूं, कहीं और नहीं गया था। मैंने ये रियलाइज़ भी नहीं किया था कि मैं उसी जलेबी वाला की दुकान के बगल में खड़ा था। अचानक उस हलवाई ने कहा, क्यों भाई, क्या मैं 1 रुपये जलेबी आपके लिए पैक कर दूँ? आज जलेबी आनी चाहिए। मुझे मन किया उसे ये कहना कि मुझे तुम्हारी जलेबी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लीवर को भून करके खा लूँगा। लेकिन उस समय मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था और मैं सिंपली वहाँ से मूव कर गया। अगले दिन में मैंने वही सेम चीज़ किया, मैंने ड्रेस किया और घर से बाहर निकला और स्कूल के गेट तक पहुँचा और उसके बाद वहाँ से मुड़ गया रेलवे स्टेशन की तरफ और उसी ट्री के नीचे बैठा और मैंने वही सेम प्रेयर्स दोहराए और मैं बार बार रिपीट करता रहा, अल्लाह मियाँ प्लीज़ कम से कम आज तो मुझे वो दे दो। आज दूसरा दिन था। फिर मैंने कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं, आओ। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से उस सिग्नल की तरफ जाऊँगा, आप सीक्रेटली उस 4 रुपए को इस बड़े पत्थर के नीचे रख देना, मैं इस सिग्नल को छू के वापस आऊँगा। बड़ा मज़ा आएगा ना जब मैं उस पत्थर को उठाऊँगा और मैं उसके नीचे 4 रुपए पाऊँगा। तो क्या आप तैयार हो? मैं उस सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, 1 2 3 लेट्स गो। मैं उस सिग्नल की तरफ गया और वापस आया स्माइल करके, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस पत्थर को उठा के देखने की क्या होगा अगर वहाँ कॉइन ना हुआ तो। पर फिर मैंने कुछ सोचा कि क्या होगा कि अगर वहाँ सच में पैसे हो तो, और इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैंने बिस्मिल्लाह कहा और उस पत्थर को उठाया और उसके बाद उस पत्थर में पता है क्या था? एक बड़ा हेरी वॉर्म था जो कि सिकुड़ के मुड़ के मेरी तरफ आ रहा था वो कीड़ा। मैं चिल्लाया और वहाँ से दूर हटा। मैं फिर से भागा और उस सिग्नल को टच किया। मैं अपने हाथों और नींद के साथ क्रॉल करके यानी बैठ के चलना और उस ट्री के पास गया। मैंने कोशिश किया कि मेरी नज़र उस रॉक की तरफ ना जाए, पर जैसे ही मैंने अपना बैग पिक किया, बैग को उठाया और जैसे ही मैं जाने वाला था, मैंने उस रॉक को वापस देखा। मैंने सोचा कि चलो इसको फिर से उठा के देखते हैं। और फिर आपको पता है कि मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने देखा कि मिस्टर वॉर्म कॉइल करके लेटे हुए थे और कम्फर्टेबली और मेरी तरफ देख रहे थे। मैं वहाँ से चलता बना और सोच रहा था कि कल मैं वाजू भी करूँगा और कल मैं साफ़ कपड़े पहन के आऊँगा यहाँ पे और सुबह से लेकर दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूँगा और अगर फिर भी अल्लाह ने मुझे 4 रुपए नहीं दिए तो फिर मुझे मजबूरन सीखना ही पड़ेगा कि उनसे बार्गेन कैसे किया जाता है, उनसे डील कैसे किया जाता है। और जब मैं स्कूल से घर पहुंचा, एक्चुअली तो रेलवे स्टेशन से घर पहुंचा, मैं पकड़ा गया। हाँ, मेरे एब्सेंट का रिपोर्ट मेरे घर तक पहुंच गया था, सभी को पता चल गया था कि मैं इतने दिनों से फांकी मार रहा था। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप खुद ही समझदार हो, आपको तो पता ही होगा क्या हुआ होगा। खैर, जो हुआ हुआ, लेकिन
सेवेंथ और एट स्टैंडर्ड तक मैं सोचता रहा कि क्या होता अगर अल्लाह मियाँ ने मुझे उस दिन 4 रुपए दे दिए होते। किसी को क्या नुकसान हो जाता अगर उस दिन अल्लाह मियाँ ने मुझे पैसे दे दिए होते तो। और उसके बाद मैंने एक कंक्लूज़न निकाला कि अगर अल्लाह मियाँ सभी को उसके कहने पर सभी चीज़ दे देंगे तो आज मानव आज भी घोंसलों में रह रहा होता, जैसे कि वल्चर्स और क्रोज रहते हैं, और कभी भी जलेबीज बनाने की के आर्ट को नहीं सीख पाते। तो दोस्तों, ये कहानी एक नहीं बल्कि 3-3 कंक्लूजन, मॉरल या फिर मैसेज देती है। पहला है कि यही कि किसी के फीस मनी से जलेबियाँ नहीं खानी चाहिए, यानी कि किसी कभी भी हमें अपने पेरेंट्स को चीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम तो आप यहाँ जानते ही हैं, जूते पड़ेंगे। दूसरा कंक्लूजन यही कि ये कहानी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है हमारी लाइफ से, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं यदि हम कोई गलती कर लेते हैं तो भगवान को याद करने लगते हैं, हे भगवान बचा लो यार। तो यार, जब आप गलती करो तो उसका प्रायश्चित भी खुद से करना सीखो। इस कहानी के जो नरेटर हैं वो भी एक बहुत अच्छे लड़के हैं, एक सुशील लड़के हैं, लेकिन वो पहली बार गलती करते हैं और उस गलती से डील कैसे करना है वो उन्हें कभी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती पहली बार की थी। तो यार, गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन हमें उससे डील करना भी सीखना चाहिए। और इस कहानी का तीसरा कंक्लूज़न ये निकलता है कि जैसा कि यहाँ पे आपने जाना है कि भगवान सभी के कहने पर सब कुछ देता है, तो लोग कभी भी उससे कुछ सीखते नहीं है, यानी सीखेंगे नहीं। अब आप इमेजिन करो कि यदि नरेटर को अल्लाह मियाँ ने उस दिन 4 रुपए दे दिए होते तो क्या होता, वो नरेटर फिर से वही गलती करता, वो अल्लाह मियाँ पे डिपेंडेंट हो जाता कि चलो गलती कर दिया, अल्लाह मियाँ तो ठीक कर ही देंगे, तो इससे वो अपनी गलती से कभी सीख नहीं पाता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी सच में आपको कुछ सिखाई होगी। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।